आपके भरोसे पर खरे उतर कर। हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। बीआई मोड़ के पास अभी तुरंत अनियंत्रित कार छप्पर पर चढ़ी, 4 जख्मी। चांदन देवघर मुख्य सड़क मार्ग के बिहाई मोड़ में अनियंत्रित कार छप्पर पर चढ़ी, जिससे 4 यात्री जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार मंगलवार की दोपहर गिरिडीह जिला के बेनी गांव निवासी श्याम सुंदर लोधी सा परिवार सुल्तानगंज से जल हो लेकर देवघर पूजा करने जा रहे थे। इसी दौरान बिहाई मोड़ के पास कार का पिछला टायर फटने की वजह से कार असंतुलित होकर सड़क किनारे टायर की दुकान की झोपड़ी के ऊपर चढ़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार चालक गंभीर रूप से जख्मी, कार में बैठे 3 अन्य लोग मामूली रूप से जख्मी हो गए, जिसे मौके पर पहुंची चांदन पुलिस ने इलाज के लिए देवघर भेज दिया और दुर्घटनाग्रस्त कार को अपने कब्जे में ले लिया। ज्ञात हो कि 1 वर्ष के दौरान असंतुलित होकर वाहन के टायर दुकान में घुस जाने की ये दूसरी घटना है। बीते साल जहां सिलजोरी मोड़ स्थित झुप्पर यादव के टायर की दुकान में एक बुलेरो के घुस जाने से गोरीपुर पंचायत के बिशनपुर गांव के एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई थी, वहीं आज उसी झोपड़ी यादव के पिता हरीश चंद्र यादव की टायर की दुकान के ऊपर अनियंत्रित होकर एक कार छज्जे पर चढ़ गई। हालांकि इस घटना में 4 लोग जख्मी हुए हैं, जिनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। ब्यूरो चीफ उमाकांत शाह। कैसे घुस गई गाड़ी के ऊपर? चार टायर वहाँ पे अपील चढ़ गया। किसी चीज हो किधर था गाड़ी पकड़ पकड़ साथ। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।